गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं प्रतिमा सिंह, QTFM 5.5 दिल में आपका स्वागत है। मैं आ गई हूँ आज के मुख्य समाचार लेकर के। अंग्रेजों के बनाए देशद्रोह कानून पर फिर विचार करने को सरकार तैयार। सुप्रीम कोर्ट में कहा, उपनिवेशक कानूनों का बोझ हटाने के लिए ही 1500 पुराने कानून खत्म किए। ठंडे पानी के इंतजार में कहीं बीत ना जाए गर्मी। गोरखपुर रेलवे स्टेशन लाइसेंस शुल्क और बिजली बिल जमा ना करने के चलते बंद है वाटर वेडिंग मशीनें। DIOS कार्यालय पर शिक्षकों ने दिया धरना, सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग। शुगर रोगी की जुबान भूल रही स्वाद, स्वाद कलिकाए खट्टे मीठे तीखे का अंतर करने में खा रही धोखा। साहब लो वोल्टेज रहता है, पोल तार भी जर्जर हो गए। पिपराइज में अगायक में लगी चौपाल, ग्रामीणों ने ADM सिटी से की शिकायत। थाली पर महंगाई की मार, आटे के दाम 12 साल में सबसे ज़्यादा। खाने के तेल से लेकर आलू टमाटर और दूध महंगा, बढ़ने वाले हैं दाल बिस्किट के दाम। दाऊद के करीबियों के 29 ठिकानों पर छापे, छोटी शकील का साथी गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने की छापेमारी, इनमें से कुछ लोगों के संबंध नवाब मलिक से भी जुड़े। विजय दिवस पर बोले पुतिन, यूक्रेन पर कार्रवाई, पश्चिमी नीतियों के विरुद्ध जवाब। बुमराह का प्रदर्शन नाकाम, जीत से कोलकाता ने कायम रखी आस। मुंबई की टीम 52 रन से हारी मैच। जसप्रीत ने पहली बार लिए 5 विकेट। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, कल फिर लेकर के आऊँगी इसी समय मॉर्निंग में। तब तक के लिए नमस्कार।